प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सचिन यादव आज उज्जैन जिले की घटिया तहसील पहुंचे। वे यहां जय किसान फसल ऋण माफी योजना, गौशाला उद्घाटन और नवीन छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। सचिन यादव ने मंच से किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र भी बांटे। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित स्थानीय नेता मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा में कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऋण माफी योजना का अब द्वितीय चरण शुरू कर दिया है, जिसके तहत उन किसानों का कर्ज माफ होगा जिन पर 50,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का कर्ज है। हॉर्स ट्रेडिंग मामले पर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनादेश का सम्मान नहीं करते हैं, ना ही लोकतंत्र के मूल्यों का सम्मान करते हैं। आज बीजेपी रुपये लेकर जो खरीद फरोख्त का काम कर रही है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए निराशाजनक है। वह इस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। तराना के विधायक महेश परमार द्वारा शिवराज सिंह चौहान पर लगाए गए आरोप कि उन्होंने 35 करोड़ रुपये का प्रलोभन दिया गया था, इस पर बयान देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि महेश परमार और इस प्रकार के अन्य विधायकों के साथ शिवराज सिंह चौहान और उनके नुमाइंदे ऐसे प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर पैसा ही सब कुछ होता तो देश में गिने चुने लोग ही राज करते। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि कमलनाथ सरकार पूरे 5 साल काम करेगी। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। आज दो प्रमुख मुद्दों पे हमारी सरकार काम कर रही है, हमारा विभाग काम कर रहा है। मेरे किसान, मेरे अन्नदाता, उनकी लागत मूल्य कैसे कम हो, ये हमारी प्राथमिकता है। मेरे किसानों की जो उपज है, उनकी जो फसल है, उस फसल के सही मूल्य, सही दाम कैसे मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। बिजली का बिल अदा करना, उसी दिशा में एक कदम उठाने का प्रयास जो है आदरणीय साथियों को सरकार ने। साथ ही साथ मेरे किसानों के उपयोग में आने वाले जितने भी कृषि यंत्र हैं, उन कृषि यंत्रों पे जो सब्सिडी मिलती है। देखिए, अपने वचन के अनुसार, हमारी योजना के अनुसार, हम किसानों का चरणबद्ध तरीके से ऋण माफी करने का काम हम लोग कर रहे हैं। प्रथम चरण में हमारी सरकार ने लगभग 20 लाख से अधिक किसानों को लगभग 7,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ करने का काम हमारी सरकार ने करा है, और प्रथम चरण में उन किसानों को ऋण माफी का लाभ देने का काम किया गया है जिनके कालातीत खाते थे, उनका पूरा 2 लाख तक का ऋण माफ किया गया है, और जिनके चालू खाते थे उनको 50,000 रुपये तक का ऋण माफी का लाभ देने का काम प्रथम चरण में किया है। पिछले दिनों हमने हमारा दूसरे चरण की शुरुआत करी है, और इस दूसरे चरण में लगभग 7 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफी करने का काम किया जाएगा, और इसमें उन किसानों को शामिल करने का काम किया जा रहा है जिनके चालू खाते हैं और जिनके ऊपर 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख तक का जिनको ऋण है, और जिन प्रथम चरण में जिनके कालातीत खाते थे लेकिन किसी कारणवश वो छूट गए हैं, उनको भी इस ऋण माफी में शामिल किया जा रहा है। सर, हॉर्स ट्रेडिंग का एक बड़ा मामला आया जिसके तहत प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ चुका है, क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आप अगर आप इनकी जो पुराना इनका रिकॉर्ड आप देखेंगे उठा करके, तो इन्हें ना तो जनादेश का कोई इनके इसमें विच उनका सम्मान करते हैं, और ना ही इनके लिए लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उन मूल्यों का किसी प्रकार का कोई इनके लिए सम्मान है। आज जिस प्रकार से पैसे के दम पर भारतीय जनता पार्टी जो है खरीफ फरोख करने का जो एक प्रयास कर रही है, मैं समझता हूँ कि हमारे ये लोकतंत्र के लिए बहुत जो है निराशाजनक है, और इस कृत्य की जो है जितनी निंदा की जाए मैं समझता कम हो, और जिस मंशा से भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनके मंसूबे कभी जो है पूरे नहीं हो पाए। सर, आप उज्जैन में है, तराना के जो विधायक है महेश परमार, उन्होंने आरोप लगाया कि खुद शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें फोन किया और 35 करोड़। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।